नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो बिंदु हमारा है वैदिक सभ्यता, जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, उस सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। तो छात्रों, वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ या जिस सभ्यता का विकास हुआ वो सभ्यता कौन सी थी? वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। छात्रों, वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है, वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्यों द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया। तो छात्रों, आज हम जो वैदिक सभ्यता है उस सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, वैदिक सभ्यता, तो छात्रों सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता, जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, वैदिक सभ्यता क्या थी छात्रों, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद जिस सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वह सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई, सभ्यता कहलाई। छात्रों, तो वैदिक सभ्यता क्या थी? सीधा सिंपल सा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, पतन के विभिन्न कारण बताए गए थे, और जो ये जो सिंधु सभ्यता थी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी, और इस विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, और उसके बाद में जो नवीन संस्कृति भारतवर्ष के अंदर जो विकसित हुई वो संस्कृति क्या कहलाई? वो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति, या उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। तो छात्रों, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता का जो विकास करवाया, वैदिक सभ्यता का जो निर्माता थे और इस सभ्यता को विकसित करने वाले थे वो कौन थे? आर्य जाति के लोग। तो छात्रों, जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता का के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। आर्य जाति के लोग वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, इसीलिए इस वैदिक सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को इसीलिए क्या कहा गया? आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना गया। क्या कहा गया? इसी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इसके निर्माता कौन थे? इससे सभ्यता के निर्माता थे आर्य जाति के लोग, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना गया। तो छात्रों, इस सभ्यता के कितने नाम हो गए? इस सभ्यता के नाम हो गए वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, आर्य सभ्यता, तो तीन इसके नाम हो गए। तो कितने नाम हुए छात्रों? वैदिक सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को जानते हैं, अर्थात सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में या सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का विकास हुआ, जिस सभ्यता का उदय हुआ, वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति के नाम से वो जानी गई। तो छात्रों, आज हम जो इस जो सभ्यता है इसके बारे में डिटेल से हम जो स्टडी करेंगे इसके बारे में छात्रों, तो छात्रों वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन था? वैदिक सभ्यता का निर्माता था आर्य। वैदिक जो सभ्यता में छात्रों जो आर्य, जो आर्य नाम है, आर्य आर्य जाति के लोग हैं, आर्य जाति का जो ये लोग हैं, इसलिए आर्य जाति के लोगों द्वारा इस सभ्यता का जो निर्माण करवाया गया, और ये जो आर्य जाति है, आर्य शब्द का अर्थ, जो ये आर्य
शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों। आर्य शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, आर्य शब्द के कई अर्थ निकाले गए छात्रों। इसके जो छात्रों हम अर्थ देखते हैं छात्रों, इसका है आर्य शब्द का उत्कृष्ट, इसका उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इसका क्या है, उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त जो उत्तम, उत्तम श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ, तो आर्य शब्द का क्या अर्थ हुआ छात्रों, उत्कृष्ट, उत्तम श्रेष्ठ, स्वतंत्र, कुलीन अभिजाते, स्वतंत्र कुलीन अभिजाते, अभिजाते। तो ये आर्य सभ्यता छात्रों, आर्य जो आर्य सभ्यता का निर्माण किसने करा, आर्य ने किया, और आर्य जाति के लोगों ने किया। और आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो गया, उत्कृष्ट, उत्तम श्रेष्ठ, इसका जो अर्थ हुआ छात्रों को क्या था, उत्कृष्ट, उत्तम श्रेष्ठ, जो इस सभ्यता का जो ये अर्थ था। छात्रों जो ये आर्य जाति के लोग हैं, आर्य जाति के लोगों, आर्य जाति के छात्रों, श्रेष्ठ, उत्तम, ये उद्दात, इसका इसके अतिरिक्त और क्या था छात्रों, उद्दात, उद्दात। तो छात्रों जो आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ, स्वतंत्र, कुलीन, अभिजात तथा उद्दात। तो इस आर्य जाति का ये अर्थ हुआ। तो छात्रों जो ये आर्य शब्द है इसका ये अर्थ हुआ। इसमें आप देखते हैं छात्रों की सिंधु सभ्यता की एक बार पुनः देखिए छात्रों, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वह सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन था, आर्य जाति के लोग थे। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस सभ्यता का निर्माण करवाने वाले कौन थे, आर्य लोग थे। इसीलिए इस सभ्यता को जो आर्य सभ्यता भी कहा गया। और ये वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसके कितने नाम हो गए, अब इसके तीन प्रकार के, इसके तीन नाम है। अर्थात सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसको तीन नामों से जाना गया है। किस नाम से, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति तथा आर्य सभ्यता के नाम से इसे जाना गया है। छात्रों आर्य शब्द, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों की, उत्कृष्ट। आर्य शब्द का अर्थ होता उत्कृष्ट, उत्तम श्रेष्ठ, स्वतंत्र कुलीन, स्वतंत्र कुलीन तथा अभिजात और उद्दात। तो छात्रों ये जो आर्य शब्द है इसका ये अर्थ होता है। छात्रों वैदिक सभ्यता को दो भागों के अंदर बांटा गया। जो वैदिक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है छात्रों, वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया, दो भागों के अंदर इसे बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से छात्रों, ऋग्वेदिक कालीन, ऋग्वेदिक कालीन, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पहला काल कौन सा छात्रों, ऋग्वेदिक काल, कौन सा काल है, ऋग्वेदिक काल तथा दूसरा काल कौन सा है, उत्तर वैदिक काल है। तो छात्रों ऋग्वेदिक काल है, इसी काल का जो समय बताया गया है कौन सा, ऋग्वेदिक काल है। इस काल का जो समय बताया गया वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। कब तक बताया गया है, 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय किस काल का है, ये ऋग्वेदिक काल का जो ये समय है। तथा उत्तर ऋग्वेदिक काल, उत्तर ऋग्वेदिक काल का जो समय बताया गया छात्रों 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, कितना बताया गया छात्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों काल की। वैदिक सभ्यता को दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, ऋग्वेदिक काल, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। तथा जो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को दो भागों के अंदर जो बांटा गया है। छात्रों जो आर्य, आर्य जाति है, अब इसे जो सभ्यता, इस सभ्यता का जो निर्माता कौन है छात्रों, इस सभ्यता का निर्माता आर्य। तो आर्य जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख कहाँ मिलता है तो उसको हम देखते हैं छात्रों। आर्य जाति का मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, पूछा जाता है आपके आर्य जाति का, आर्य जाति का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम उल्लेख, आर्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख
जो मिलता है ऋग्वेद के अंदर, कौन से वेद के अंदर? ऋग्वेद के अंदर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छात्रों, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और ये सबसे जो प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी बताई गई छात्रों? 4 वेदों की संख्या बताई गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो छात्रों जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई वो काल क्या कहलाया? ऋग्वेदिक काल कहलाया। छात्रों जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई वो काल कौन सा था? ऋग्वेदिक काल कहलाया। और जिस काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के इस प्रकार के जो ग्रंथों की रचना हुई वो काल कौन सा काल कहलाया? उत्तर वैदिक काल कहलाया। तो छात्रों ऋग्वेदिक काल कौन सा हो गया? सीधी सी इसकी सीधा सा है ये बिल्कुल कि जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई वो काल कौन सा कहलाया? ऋग्वेदिक काल कहलाया। जिस काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के इनकी जो रचना हुई वो काल कौन सा कहलाया? उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वेदिक काल वो कहलाया। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो ऋग्वेद जो वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है, ये वेद किसकी जानकारी प्रदान करता है? ये आर्य जाति की जानकारी प्रदान करता है। सर्वप्रथम जो आरंभिक जो आर्य जाति का उल्लेख कौन करता है? ये ऋग्वेद नामक जो वेद है ये करता है। छात्रों इस प्रकार से जो ये आर्य हैं, आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया। छात्रों अब हम जो ये आर्य थे, आर्यों का मूल स्थान क्या था और ये जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे भारत के अंदर, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों तो इसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आर्य जो सर्वप्रथम भारतवर्ष में कहाँ से आए थे, तो विभिन्न विद्वान अपने अलग अलग मत जो प्रदान करते हैं। कोई भी विद्वान एक मत जो एक बात को लेकर सहमत नहीं है, परंतु अधिकांश जो विद्वान है, अधिकांश विद्वान मैक्स मूलर नामक जो विद्वान है उसके द्वारा बताया गया है कि मध्य एशिया से आर्य भारतवर्ष में आए थे, तो उसी के कथन को अधिकांश विद्वान मानते हैं। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि मध्य एशिया से जो आर्य थे वो भारत के अंदर आए थे, और अधिकांश विद्वान है इस बात को मानते हैं, परंतु जो अलग अलग विद्वान हैं तो वो अलग अलग बात आर्यों के आगमन की बताते हैं। तो हम जो अलग अलग विद्वानों के बारे में देखते हैं कि कौन सा विद्वान क्या बताता है आर्यों के बारे में कि आर्य कहाँ से जो भारतवर्ष के अंदर आए, तो हम देखते हैं छात्रों कि आर्यों के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत हैं। तो विद्वानों के मत देखते हैं छात्रों कि आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान, तो आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था इसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं छात्रों कि मैक्स मूलर तो ये विद्वान है, कौन सा विद्वान है? मैक्स मूलर नाम का विद्वान है। ये क्या बताता है कि मध्य एशिया तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। तो छात्रों ये तो मध्य एशिया बता रहा है मूल मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान। इसके अतिरिक्त विलियम जोन्स नाम का विद्वान है, विलियम जोन्स नामक जो विद्वान है ये बताते हैं यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया वो था उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसे आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्रों? आर्कटिक प्रदेश। तो आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक क्या बताते हैं? आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त गार्डन चाइल्ड्स जो गार्डन चाइल्ड्स है ये दक्षिणी रूस को, कौन से इसको? दक्षिण रूस को क्या बताते हैं? ये आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। कौन बताता है? गार्डन चाइल्ड्स इसे बताते हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त पेनका वे हर्ट नामक जो विद्वान है, पेनका वे हर्ट
बेंका बेहर्ट नामक जो विद्वान है, ये जर्मनी को, जो जर्मनी देश है, इस जर्मनी देश को आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताते हैं। छात्रों, गंगानाथ झा नामक जो विद्वान है, ये विद्वान जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं, वो किसे? ब्रह्म ऋषि देश को। किसे बताते हैं? ब्रह्म ऋषि देश को ये आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। छात्रों, इसी प्रकार से जो डॉक्टर अविनाश चंद्र, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र ये आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश, इसे आर्यों का ये मूल निवास स्थान बताते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से कई विद्वान ने ये अपने अलग, इसके अलावा अन्य विद्वान भी है जो क्या है कि वो भी अपने अलग अलग मत प्रदान करते हैं इसके अंदर, परंतु जो अधिकांश विद्वान किसके मत से सहमत है? मैक्स मूलर के मत से सहमत है। तो इससे अधिकांश विद्वान किससे सहमत है? मैक्स मूलर के मत से सहमत है। तो इसीलिए क्या है कि आर्यों का हम क्या मानेंगे? आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? छात्रों, मध्य एशिया से आर्य जाति के लोग कहां पर आए? आर्य जाति के लोग भारतवर्ष के अंदर आए। तो मध्य आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर नामक विद्वान ने क्या बताया? मध्य एशिया को बताया। जितना अधिकांश विद्वान भी आर्यों का मूल निवास स्थान जो मध्य एशिया मानते हैं। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो गया छात्रों? आर्यों का मूल निवास स्थान हो गया मध्य एशिया। तो छात्रों, अब जो आर्य जाति के लोग हैं इनके द्वारा जो आर्य सभ्यता का विकास किया गया, वैदिक सभ्यता को दो भागों के अंदर बांटा गया है, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता तथा उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर ऋग वैदिक कालीन सभ्यता। तो छात्रों, ऋग वैदिक काल है हम, तो इसके दो काल है, इसके ऋग वैदिक काल तथा दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो हम सर्वप्रथम ऋग वैदिक जो काल है, ऋग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम सर्वप्रथम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऋग्वेदिक जो काल है, ऋग्वेदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम छात्रों उत्तर वैदिक काल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, ऋग्वेदिक काल के अंदर हम ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जो इनकी आर्यों की स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के अंदर भी हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जो स्थिति थी, राजनीतिक जो वातावरण था आर्यों का, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता के अंदर जो प्रथम भाग था वो कौन सा था? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग है वो कौन सा भाग है छात्रों? वो भाग है प्रथम भाग है कौन सा छात्रों? वैदिक जो ये ऋग्वेदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल है छात्रों। ऋग्वेदिक काल का जो समय है, समय कितना बताया गया छात्रों? किसका समय छात्रों? ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो कितना बताया गया? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो समय है 1000 ईस्वी पूर्व तक। छात्रों, वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। क्या थी छात्रों? ग्रामीण। तो छात्रों, ग्रामीण थी। क्यों थी ये ग्रामीण? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंधु सभ्यता के अंदर बड़े बड़े नगर थे, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, बनावली, तो इस प्रकार से बड़े बड़े नगर थे। परंतु जो आर्य सभ्यता थी, अर्थात जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंदर बड़े नगरों का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है और वहाँ पर केवल जो
ये जो छोटे छोटे जो कबीलों का प्रमाण प्राप्त होता है ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ पर बड़े नगरों का प्रमाण प्राप्त न होने के कारण ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो छात्रों जबकि सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो छात्रों यहाँ क्या है, वैदिक काल के अंदर का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और जो आर्यों का मुख्य जो धंधा था या व्यवसाय था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था छात्रों, पशुपालन था। क्या था, पशुपालन, पशुओं का ये पालन करते थे, तो पशुपालन इनका जो मुख्य व्यवसाय था। जबकि छात्रों आर्यों का गौण व्यवसाय, आर्यों का मोस्ट इम्पोर्टेंट छात्रों ये आर्यों का गौण व्यवसाय तो गौण व्यवसाय पूछा था छात्रों, गौण व्यवसाय था आर्यों का कृषि। तो कृषि का ये क्या था, इनका गौण व्यवसाय था। जबकि पशुपालन इनका क्या था, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। छात्रों जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपके कि ऋग्वेद काल कौन सा है, जिस काल में ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये और सबसे प्राचीन वेद ये हमारा, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल ऋग्वेदिक काल कहलाया, ऋग्वेदिक काल कहलाया। तो ऋग्वेदिक काल कौन सा था छात्रों, की जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो कौन सा काल था, ऋग्वेदिक काल था। और जिस काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के उपनिषद इनकी रचना हुई तो वो काल कौन सा कहलाया, वो काल था उत्तर वेदिक काल या उत्तर ऋग्वेदिक काल। छात्रों आर्यों का आगमन भारत में, जो आर्य जाति के लोग थे मध्य एशिया से भारत में कब आए, आर्यों का भारत में आगमन मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। छात्रों आज से लगभग जो 3500 साल पहले आर्य भारत के अंदर आए, तो छात्रों तो इसे क्या, 1500 ईस्वी पूर्व जो आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। तो आर्य मध्य एशिया से जो भारत में 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग जो ये आए। छात्रों अब हम देखते हैं कि अब हमें ये पता चल चुका है कि जो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया, वो है आर्य जाति। तो अब हम जो आर्य जाति है, तो इस आर्य जाति की हम राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में हम जो चर्चा करते हैं। तो छात्रों राजनीतिक जो स्थिति है किसकी, ये आर्यों की, अर्थात जो ऋग्वेदिक काल है इस ऋग्वेदिक काल के अंदर आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इस ऋग्वेदिक काल के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों राजनीतिक स्थिति तो राजनीतिक स्थिति किसकी छात्रों, की ऋग्वेदिक काल जो समय है, ऋग्वेदिक काल के समय के अंदर आर्यों की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। छात्रों ऋग्वेदिक जो काल था इसके अंतर्गत जो ऋग्वेदिक काल में सामान्यतः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वेदिक काल में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋग्वेदिक काल में सामान्यतः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो सामान्यतः कौन सी व्यवस्था थी छात्रों, राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी, कहां पर, ऋग्वेदिक काल के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जो बताया गया है। छात्रों ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का प्रारंभिक जीवन
प्रारंभिक जीवन, ऋग्वेदिकालीन आयु का प्रारंभिक जीवन ग्रामीण था। आर्यों का परिवार पितृ सत्तात्मक था। छात्रों, जो ऋग्वेदिक काल में सामान्यतः किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऋग्वेदिक काल के अंदर प्राप्त जो विद्यमान थी। आर्यों का जो प्रारंभिक जो जीवन था वो कैसा था, ग्रामीण जीवन था। प्रारंभ में आर्य जाति के लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों का जो परिवार होता था वो पितृ सत्तात्मक था। छात्रों, यहाँ देखने योग्य बात यह कि सिंधु सभ्यता के अंदर मात्र सत्तात्मक जो परिवार हुआ करते थे, जबकि आर्य सभ्यता अर्थात जो वैदिक सभ्यता है इसके अंदर क्या था कि जो परिवार थे, परिवार कैसे थे, परिवार जो पितृ सत्तात्मक हो गए। सिंधु सभ्यता में माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यहाँ पर पिता के कंट्रोल में परिवार आ गया, पिता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो छात्रों, आर्यों का परिवार पितृ सत्तात्मक था। आर्यों के कबीले कई जन्मों में विभक्त थे। आर्यों के कबीले कई जन्मों में विभक्त थे। आर्यों के कबीले कई जन्मों में विभक्त थे। तो आर्यों के जो कबीले थे छात्रों, कई जनों के अंदर ये विभक्त थे। जन का मतलब क्या होता था छात्रों, जन का मतलब हो गया यहाँ पर जन थे राज्य, जो राज्य थे कई राज्यों के अंदर ये क्या था कि विभक्त था। तो जन के अंदर क्या थे छात्रों, ये विभक्त थे। इन जनों में जो ये आर्यों के प्रमुख जन तो आर्यों के प्रमुख जन थे छात्रों, कौन से थे उसके बारे में देखते हैं कि जो पांच जन थे आर्यों के, ये जो प्रमुख थे छात्रों, प्रमुख जो जन कौन से थे, इन जनों में पांच प्रमुख थे। आर्यों के प्रमुख जन कितने थे, पांच। उनकी संख्या कितनी थी, पांच जो जन थे ये क्या थे, प्रमुख थे। और इन्हें ये पांच कबीले पंचजन्य कहलाते थे। तो ये पांच जो कबीले थे क्या कहलाते थे, ये पांच कबीले पंचजन्य। तो ये पांच कबीलों को क्या कहा जाता था छात्रों, पंचजन्य कहा जाता था। तो पांच ये कबीले कौन कौन से छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से थे छात्रों। अनु ध्रुवीय कबीले कौन कौन से थे छात्रों, एक था अनु, दूसरा था ध्रुवीय, तीसरा पुरु युद्ध तुर्वस। तो ये पांच जो कबीले थे ये क्या कहलाते थे, ये पांच आर्यों के प्रमुख जन, जो आर्यों के प्रमुख जो कबीले थे वो कौन से थे, पांच थे, अनु, ध्रुवीय, पुरु, युद्ध, तुर्वस। कौन कौन से छात्रों, अनु, ध्रुवीय, पुरु, युद्ध, तुर्वस, ये क्या कहलाते थे, पंचजन्य के नाम से ये जाने जाते थे। किसके नाम जाने जाते थे छात्रों, पंचजन्य के नाम से ये जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो आर्य जन कबीले, अन्य आर्य जन कबीले छात्रों, प्रमुख जो जन कबीले कौन से थे, प्रमुख कबीले कौन से छात्रों, ये जो प्रमुख कबीले हैं कौन कौन से हैं, ये पांच जो कबीले छात्रों ये प्रमुख हैं और ये क्या कहलाते हैं, पंचजन्य। और इसके अलावा अन्य जो आर्यों के अन्य कबीले भी थे, लेकिन वो इतने शक्तिशाली या इतने प्रसिद्ध नहीं थे, ये प्रमुख जो जन थे ये थे। ये लेकिन अन्य जो जन है छात्रों, उनके अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों, क्रीवी त्रिशु मतलब क्या हो गया छात्रों, भरत। इसके अतिरिक्त अनिल पतक्के
पक्ते बलानस पक्ते भलानस भलानस बलानस शिव विषाणी विषाणी शिव विषाणी विषाणी शिव विषाणी। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये जो अन्य आर्यजन कबीले थे, अन्य आर्यजन कबीले कौन कौन से थे, वो थे क्रीवी त्रिशु अर्थात भरत, अनिल पक्के भलानस सीवी तथा विषाणी। तो ये अन्य जो आर्यजन कबीले थे। छात्रों ऋग्वेदिक जो काल था, ऋग्वेदिक काल के अंदर आर्यों के जो प्रमुख जो कबीले थे वो कौन कौन से थे, अनु ध्रुवीय पुरु युद्ध ध्रुवस, ये पांचों क्या कहलाते थे, पंच जन्य के नाम से इन पांचों को जाना जाता था। इन पांचों के अलावा कुछ अन्य आर्य जाति के कबीले विद्यमान थे, उन कबीलों में क्रीवी त्रिशु अर्थात भरत अनिल पकटे भलानस शिव विषाणी। तो इस प्रकार के ये कबीले भी जो यहाँ पर मौजूद थे छात्रों। तो इस प्रकार से जो ये कबीले विद्यमान थे